तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? तो जो पहला स्टेटमेंट है, ये कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो, अगर कोई ब्लॉक है, इस पे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हो, ठीक है, तो इधर जो लगने वाले फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, जीरो से उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, लेकिन ये एक लिमिट है। तो यहाँ पर तुम देखोगे इस ब्लॉक पे जो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के इसके बीच अगर ग्राफ देखोगे, तो एफ यहाँ पर अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है, एफ फ्रिक्शन है, तो ऐसा ग्राफ आता। आई होप कि आप ग्राफ सब पढ़े होगे। तो ये जो यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है, जैसे जैसे देख रहे हो, ये अप्लाइड फोर्स जीरो है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी जीरो है यार। तो ये एंगल कितना होता है? 45 होता है, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, अगर ये 10 न्यूटन हुआ तो इस अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन हुआ तो ये फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन होगा। अगर ये 20 न्यूटन अप्लाइड फोर्स हुआ तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन होता है, दैट्स वाई एंगल 45 ही आता है। लेकिन ये सारी वैल्यू स्टैटिक है, ये सारी वैल्यू स्टैटिक है, और ये जो टॉप पॉइंट है वो है तो स्टैटिक, लेकिन स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और ये जो चीज़ है ये यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या चीज़ है। पहला, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन तो स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग स्टैटिक, ये भी तो स्टैटिक है भाई, तो स्टैटिक और काइनेटिक है तो ऑलवेज ग्रेटर होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये बात सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक फ्री, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन कम है और काइनेटिक ज़्यादा है, समझ रहे ना। अगर मैं यहाँ पे दो लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पर स्टैटिक की वैल्यू इतनी है और काइनेटिक इतना है, तो कहाँ स्टैटिक ज़्यादा हुआ है? तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है, बिल्कुल गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रॉन्ग, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर नहीं होता है, ठीक है, ये वाली चीज़। चलो दूसरी अगर बात करो, दूसरा स्टेटमेंट बात करो, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक भी ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशियंट ऑफ लिमिटिंग काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो, म्यू एस ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के होता है, ठीक है ना, ये आप पढ़े होंगे, आई होप कि आपको याद होगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन की है यहाँ पे, वो आता है म्यू एस एन, और यहाँ पर काइनेटिक आएगा म्यू के एन। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो म्यू एस ग्रेटर देन है म्यू के, दैट्स वाई स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर देन है फ्रिक्शन काइनेटिक। तो ए भी स्टेटमेंट अपना सही है, सी भी सही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज नेवर लेस देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ऑब्वियसली लिमिटिंग फ्रिक्शन एक टॉप वाला पॉइंट, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो ऑब्वियसली ग्रेटर ही है, मतलब डी ऑप्शन भी अपना सही बन जाता है। तो कुल मिला के बी सी डी ये वाला ऑप्शन अपना सही है, मतलब बी सी डी मतलब ए ऑप्शन इसमें से सही बन जाता है, बाकी गलत है। आई होप कि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा दिया हूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।